गाइस ये देख सकते हैं, आईडी मांग रही है लड़की। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो इस टाइम से मेरी सुबह की शुरुआत हुई और आज मैं कहीं जा रही हूँ, सो मैं जाते वक्त आपको बताऊँगी इंशाल्लाह। लेकिन पहले नाश्ता करेंगे। अभी नाश्ते का टाइम हो चुका है और हम सब घर वाले बैठ के नाश्ता करें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। अभी माशाल्लाह फिर से बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई है और अब पता नहीं क्या होगा आज, और बहुत तेज़ होती जा रही है बारिश। और आज हमें कहीं जाना था तो पता नहीं हम जा सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से फ्रेंड जो मौसम है वो बहुत हसीन हो चुका है और बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। अब पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। हमें कहीं जाना भी था लेकिन बारिश हो रही है, अब देखते हैं जा सकेंगे या नहीं। बारिश है वो अल्हम्दुलिल्लाह से तेज़ हो चुकी है और अभी आप देख सकते हैं कितनी तूफ़ानी बारिश हो रही है। और अब पता नहीं, देखते क्या होगा। माशाल्लाह बारिश तो बहुत मज़े की है। बारिश ने तबाही मचा दी। हमारा न्यू होम था तो हमें नहीं पता यहाँ पे क्या है, और यहाँ से पानी टपक टपक कर आया मेरी अलमारी में, और यहाँ से मैंने पूरी जो अलमारी अपनी खाली कर दी, और मेरे जो वार्डरोब है वो मैंने सारे यहाँ रख दिए, और अब ये सारे गीले हो चुके, कुछ बाहर फैलाए हुए हैं। 4:30 जो है हो रहे हैं और अभी सब लोग बारिश में नहा गए तो सब बहुत थक गए थे, इसलिए अभी हम लोग खाना खा रहे हैं शाम का 4:30 बजे वो भी। फ्रेंड्स बारिश जो है वो ख़त्म हो चुकी है और अभी अब मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने, क्योंकि फिर बाद में ईद करीब आ जाएगी, और मतलब करीब आ चुकी है, सो इसलिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, तो मैं आज ही जा रही हूँ शॉपिंग करने। सो फ्रेंड्स अभी हम घर से निकल चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं, और हम जो है वो पहुँच चुके हैं बाज़ार में। माशाल्लाह से यहाँ पे आप चीकड़ कीचड़ देख सकते हैं। यहाँ से मैं इतना बलोची सूट लेने जो 2-3 दिन पहले ऑर्डर को दिया था, पर वो तैयार नहीं था तो इसलिए मैंने छोड़ ही दिया है। से ग्लासेस पसंद आ गए थे मुझे तो मैंने एक ले लिया, सो क्यूट। सो फ्रेंड्स अभी सब कुछ हो चुका है, सारी शॉपिंग्स हो गई है और अभी हम जा रहे हैं घर। ये आप देख सकते कितना प्यारा व्यू है। हम लोग जा रहे हैं उस साइड, वहाँ पे हमारे इलाके में मंगल बाज़ार लगता है, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं कुछ चीज़ें लेने। और आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से ईद की कुर्बानियों के लिए गाय जा रही है। और ये रहा बाज़ार, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना पानी जमा हो चुका है। हमारे यहाँ बारिश कम होती है लेकिन पानी ज़्यादा जमा हो जाता है, पता नहीं कैसे। क्या बोला तूने? वहाँ पे हमने अपना रिक्शा रुकवाया और हम लोग को यहाँ से पैदल जाना था, क्योंकि एक शॉप में रुकना था और कुछ काम की चीज़ें लेनी थी। फाइनली हम अब अपनी गली में इंटर हो चुके हैं और बस हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई और सब कुछ चीज़ें ले ली, इंशाल्लाह डन ईद। अब बस ईद का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। और ये रहा हमारा घर जहाँ इंटर हो रहे हैं, ये रहा। खोले फ्रेंड्स, यहाँ पे मौसम जो है बहुत हसीन हो चुका है और यहाँ पे बारिश भी हल्की हल्की हो रही है, और हम लोग शॉपिंग भी करके आ गए और बहुत मज़ा आया। और अभी मैं शाम की चाय पी रही हूँ, जो बस इतनी सी रह गई है, क्योंकि मेरे लिए इतनी भी बहुत है, मेरे को सही में टी लवर। गाइस ये देखिए सानिया से बिल्ले फैन आया हुआ है, क्यूट सी लड़की है। गाइस ये देख सकते हैं, आईडी मांग रही है लड़की, क्यूट सी लड़की है। अभी 9 जो है वो बजने वाले और अभी मैं जाके देखती हूँ कि किचन में घर वाले क्या कर रहे हैं। अभी जो है यहाँ पे रात का खाना बन रहा है, यहाँ पे बैंगन फ्राई हो रही है और यहाँ पे रोटियाँ बन रही हैं, एंड यहाँ पे अभी आलू भी फ्राई करेगी मम्मा। नहीं नो जो है बच्चों के खाना भी बिल्कुल रेडी, और अभी हम लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। फ्रेंड्स रात के 10 बज रहे हैं और अभी हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं कहीं पे, सो फिर जब हम लोग पहुँच जाएंगे तो फिर आप लोग देख लेना कि हम जा कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स अभी तो आप लोग को पता चल गया होगा कि हम लोग आए किस लिए हैं यहाँ पे। फाइनली ग्रोसरी जो है वो हमने ले ली है और अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। फाइनली
हम लोग घर पहुंच गए हैं एंड शॉपिंग कंप्लीट। तो फ्रेंड्स अभी जो मैं वहाँ से आई तो मैं बहुत थक गई थी, सो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद के लिए चाय बनाऊंगी और फिर देखे क्या हुआ। और फ्रेंड्स मेरे साथ सबसे बड़ा पचका हो गया, ये मैं चाय बना रही थी और मेरे ध्यान थोड़ा सा उस तरफ गया और सारी गिर गए। मम्मा डांटी इससे पहले जल्दी से अभी मैं आप लोग को अपनी ईद की शॉपिंग दिखाऊंगी। और प्लीज़ अगर आप लोग वीडियो देख लेते हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर दिया करो, बस आप लोग देख लेते हो और चले जाते हो, लाइक और कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करो क्योंकि बहुत मेहनत से एडिटिंग होती है और बहुत मेहनत से व्लॉग बनता है। तो ईद के फर्स्ट डे में ये ड्रेस पहनूंगी क्योंकि वैसे ये बहुत सिंपल है, क्योंकि वैसे भी ईद के फर्स्ट डे कुछ होता नहीं है तो इसलिए मैं यही ड्रेस पहनूंगी। और फ्रेंड्स ये मेरे ईद के सेकेंड डे की ड्रेस है जो मैंने अभी 2-3 दिन पहले लिया था। और इसके साथ जो ईयरिंग्स हैं वो ये रहे, ये वाले मैं पहनूंगी। इसमें बहुत से थे बट मैंने ये वाले चूज़ किए क्योंकि बाकी मैं घर पे भी पहनती रहती हूँ, सो ये वाले मैं पहनूंगी। और ये मेरे ईद के सेकंड डे की ड्रेस है जो मैं रात के टाइम पहनूंगी। इसके साथ ये जो स्टार वाले इयररिंग्स है ये मैं पहनूंगी। और इसके जो टॉप्स थे वो ऊपर जो लगे ये मैंने निकाल दिए थे क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ घर में। सो व्यूवर्स ये जब मैं शॉपिंग करने गई थी तो ये सूट मुझे बहुत पसंद आया था, 3-पीस सूट है। और इसका फुल ड्रेस जो इसकी फुल ड्रेस है वो ऐसे है, लेकिन ये अभी तक मैंने बनवाया नहीं है, अभी ये मैं बनवाऊंगी इंशाल्लाह और फिर मैं आपको दिखाऊंगी फुल ड्रेस। ये मेरे ईद के सैंडल्स है जो मुझे खास तो पसंद नहीं है बट ले लिए क्योंकि अब कुछ मिल ही नहीं रहा था जो मुझे चाहिए था, तो जो पापा ने कहा बस जो भी है अब ले लो। हारिस भाई आपके कितने व्यूज आए टिकटॉक पे? आज मेरे 3K व्यूज आए, 3K। और आज ये फेमस हो चुके हैं टिकटॉक पे और इनको कुछ फ्रेंड्स मांगना चाहते हैं। अभी मैंने ये वीडियो बनाई, ये आपको दिखा रहे हैं ना अपनी वीडियो। टिकटॉक अकाउंट दिखाना। तो बताओ कैसे आई है मेरी वीडियो, बताओ। बस इनकी वीडियो यूं चल रही थी और वायरल हो गई। ये आपको अपने टिकटॉक अकाउंट दिखाऊंगी, फॉलो कीजिएगा इन्हें, थोड़ा बढ़ ले फेमस हो जाए बच्चे। फ्रेंड्स अभी रात के 1 बज रहे और अभी मैं हम लोग बैठे टीवी देख रहे इंजॉय कर रहे फैमिली के साथ। और ये मैं ये जूस पी रही हूँ और ये तो आप जानते होंगे ना पुष्पा, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा है क्या? फायर है। सो फ्रेंड्स आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा कमेंट्स कीजिएगा एंड आगे शेयर भी कर दिया करें। एंड अगर आप लोग व्लॉग देख लेते हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कर दिया करो।